वलचस्प प्रभु, मुझे चौथा स्टोन मिल गया। लेकिन ये स्टोन ब्रिज कैसे बनेगा? वलचस्प जैसे ही स्टोन हाथ में लेता है, उसे जोरदार शॉक लगता है, जैसे कोई शक्तियां उसे स्टोन को छूने से रोक रही हो। स्टोन हवा में उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। स्टोन एक बड़े से पजल में कन्वर्ट हो जाता है। ये पजल ब्रिज का एक टुकड़ा है। ऐसे 8 स्टोन्स मिलके ब्रिज पूरा होगा, जो धरती को गोस यूनिवर्स से जोड़ देगा। इस स्टोन में दैविक शक्तियां हैं। इसमें विक्रांत और बाकी गद्दार हाफ गोस्ट ने शक्तियां डाल दी हैं। ये स्टोन बस तुम और ब्रिजेश ही छू सकते हो। इसे मुझसे दूर करो। हमें जल्दी से जल्दी बचे हुए 7 स्टोन ढूंढने होंगे। जी वलचस प्रभु। खड़ी क्यों हो, जाओ ढूंढो। भूतिया पानी का असर कम हो रहा है। प्रियंका की स्मृति वापस आ रही है। क्या अब ये गोस्ट आर्मी के लिए सही है? वहीं सारे गोस्ट हंटर्स ईशा के घर में आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे सामने 2 मेन चैलेंजेस है, मायावी को ढूंढना और वल्चस से लड़ने की तैयारी करना। वल्चस चुप नहीं बैठेगा, उसके कदम से पहले ही हमें अपनी चाल चलनी होगी। हमें हर पल के लिए तैयार रहना होगा, वल्चस कभी भी हमला कर सकता है। वल्चस के गोस्त इतने शक्तिशाली थे, हमें मैप को ढूंढना होगा, उसी की मदद से हम स्टोन्स को प्राप्त कर पाएंगे और वल्चस को हरा पाएंगे। तब तक मैं अपने कबीले के सभी लोगों को एक सुरक्षित गुफा में भेज दूंगा, जहां वल्चस का प्रकोप नहीं पहुंच सकता। मैं अपने राज्य की सुरक्षा बढ़ा दूंगा। हम किसी भी कीमत पर वल्चस को राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। तभी भील का एक पक्षी बड़ा सा ईगल कमरे में प्रवेश करता है और भील के कान में आके कुछ कहता है। मेरे पक्षी ने किसी कबरी को गोसिस्तान में जाते हुए देखा है, तो देर किस बात की है, चलो उसे खत्म करते हैं। सारे गोस्ट हंटर्स ईगल के पीछे गोसिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। सारे गोस्ट हंटर्स गोसिस्तान पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। यश देखो, वो उल्लू, वो वल्चस का कबरी है, पेड़ पर बैठा हुआ है। भील, ये तो एक आम उल्लू लग रहा है, क्या सच में? भील के शब्दों पर विश्वास करना चाहिए। मैं देखती हूं। प्रिंस, तुम पीछे से कवर करो, मैं और रजनी साइक से अटैक कर देंगे। ये तो कुछ और ही रूप में आ गया है। उशासी, तैयार हो जाओ। चंद्रिका, प्रकाश शक्ति, अब तुम्हारी बारी। मुझसे कैसे बचेगा? टॉर्नेडो टाइम। यश, ये बस एक शैडो है, इसे हम कैसे हराएंगे? बाप रे, ये वल्चस तो बहुत खतरनाक है, ना जाने और क्या क्या शक्तियां दिखाएगा। हमें स्टोन जल्दी से जल्दी प्राप्त करने होंगे।
मैप, वो मायावी नक्शा जिसमें स्टोन्स के बारे में बताया गया है। अगर हमें मैप मिल गया तो वल्चस से पहले हम स्टोन्स तक पहुंच जाएंगे। पापा ने मैप के बारे में जरूर कुछ ना कुछ क्लू तो छोड़ा होगा। सारे लोग कोशिस्तान में सर्च करने लगते हैं। यश, क्या घोसिस्तान में कोई ऐसी जगह है जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता? हाँ हाँ, ऐसी एक जगह है स्विमिंग पूल के नीचे। सारे लोग जल्दी से स्विमिंग पूल खाली करो। बिल प्रकाश शक्ति उत्पन्न करता है और स्विमिंग पूल को ड्राई कर देता है। वो लोग गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, ये केव तो इंटरेस्टिंग लग रही है। गुफा के अंदर बहुत सारे संदूक और खजाना भरा हुआ था। क्या बात है यश, तुम तो करोड़पति निकले। पापा ने भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए खजाना छोड़ा है। इतना खजाना तो मेरे राज्य में भी नहीं है। यहाँ तो बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। मैप के बारे में कैसे पता चलेगा? सारे लोग सर्च करने लगते हैं। यश को ऐसे लग रहा था जैसे उसके पापा की फोटो से बुला रही हो। यश फोटो के पास पहुंच जाता है। यश, हमें जल्दी करना होगा। लेकिन यश कोई जवाब नहीं देता। वो बस अपने पापा की फोटो को देखे जा रहा था। यश, क्या सोच रहे हो? पापा, अरे इस फोटो के पीछे कुछ है। रजनी फोटो के अंदर देखती है तो उसे एक पेपर मिलता है। सारे लोग उस पेपर को देखने लगते हैं। कहीं इस पेपर में कोई क्लू तो नहीं छुपा है? लेकिन पेपर में बस एक पहेली लिखी हुई थी, बाकी पूरा पेपर ब्लैंक था। ये तो कोई सीक्रेट पेपर लग रहा है। इसमें कुछ लिखा हुआ है, दीपक का आधार है, शहद जैसे उसका व्यवहार है, डूबते ही मिल जाएगा वो रास्ता जिसका है नक्शे से वास्ता। तेल, ये पहेली तो मेरे पापा मुझे बचपन में सुनाया करते थे। डूबते ही मिल जाएगा वो रास्ता, मतलब इसे तेल में डुबाना है। यश तुरंत अपने किचन से तेल ले आता है। अरे ये तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, मैं एक बार वहां गया था। इसका मतलब वो मैप अंटार्कटिका महाद्वीप में है। मैं आज ही जाकर मैप ले आऊंगा। नहीं यश, वहां टेम्परेचर माइनस में होता है, तुम वहां की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो फिर मैं चली जाती हूँ मैप लेने। उस आशी के साथ जल्दी मैप लेकर आ जाऊंगी। ईशा, अंटार्कटिका की ठंडी केवल भील बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि वो बचपन से हिमालय पर रहा है। मैंने भी भील के साथ हिमालय पर तपस्या की है। हम दोनों मैप लेने जाते हैं। उस आशी तुम्हें वहां जल्दी पहुंचा देगी। दोनों अंटार्कटिका की तरफ निकल पड़ते हैं। ईशा और यश बालवीर मैकेनिक के पास जाते हैं। बालवीर अंकल, मेरी बाइक टूट गई है, मुझे नई बाइक चाहिए। हो जाएगा यश, मेरे पास तुम्हारे पापा की ये पुरानी बाइक पड़ी हुई है, इसी को मैं तुम्हारे लिए तैयार कर देता हूँ। चलिए बालवीर अंकल, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। राज्य की सुरक्षा बढ़ा दो। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में अपने गुप्तचर भेज दो। किसी भी कीमत पर घोस्ट राज्य के अंदर ना आने पाए। फ्रेंड्स, घोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा तो कहीं भी खुल सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? हमें लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। राज्य के सारे बच्चों और महिलाओं को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए हमेशा तैयार रहो। वल्चर्स के आक्रमण से निपटने के लिए प्रिंस अपने राज्य की सुरक्षा बढ़ा रहा है। क्या बहुत जल्दी युद्ध होने वाला है? और क्या मैप भील और रजनी को मिल जाएगा? और कैसी होगी यश की नई बाइक, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।